हेलो बच्चों, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रो हमने आपको करा दिया था। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ रेडियन मेजर। देखिए बच्चों, ये चार क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जिससे आप कॉन्सेप्ट बना लें। इन ये सब देख के ये आपको लग रहा है डिग्री में है, ये डिग्री के बाद मिनट भी एक यूनिट होता है, आपको बताए थे हम। तो रेडियन मेजर निकालना है। अगर आपको बच्चों रेडियन मेजर निकालना है तो हम आपको बताए थे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से। याद रखिएगा, रेडियन में पाई दिखता है मतलब पाई को ऊपर रखेंगे। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, आप भूल जाते हैं कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से। तो अगर रेडियन निकालना है तो पाई बाई 180 से करिए, क्योंकि रेडियन में पाई आता है, डिग्री में पाई तो आता नहीं है। टेंथ में आप डिग्री पढ़े हैं, कितना पाई कहीं आया था नहीं। तो जिसमें पाई आता है वो पाई को तो ऊपर रखेंगे, अगर आ रहा है तो ऊपर रखेंगे। तो रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। तो देखिए बच्चों, सोल्यूशन अगर फर्स्ट की हम बात करें तो 25 डिग्री है, इसका रेडियन मेजर निकालना है। तो रेडियन मेजर निकालने के लिए बच्चों 25 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से, बात खत्म। और कुछ नहीं करना है, बस इसको सिंप्लीफाई। 5 5 25 5 3 6 आ जाएगा 5 π/36। यहाँ पे सी आप ऊपर लिखिए, रेडियन लिखिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, सब चलेगा ना। 5 π, क्योंकि पाई लग गया मतलब वो रेडियन में ही है ना, कितना इजी। अगर हम बात अभी सेकंड वाला छोड़िए, अगर हम बात करें थर्ड वाले का, तो थर्ड वाला 240 डिग्री है। अगर इसका रेडियन मेजर निकालना है, RMM शॉर्ट में लिख दिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन मेजर निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। रीजन आपको लास्ट वीडियो में बता ही चुके हैं। फिर इसको डिवाइड कर दिए, 6 3 18 6 4 24, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 4 π/3। तो रेडियन मेजर निकालना आसान है, डिग्री मेजर भी निकालना आसान है, बट थोड़ा सा इससे लेंदी रहता है वो। चलिए थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाले की अगर बात करें बच्चों, तो 520 डिग्री का अगर रेडियन मेजर हमें पता करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से। कैंसिल हो जाएगा, अब किससे कैंसिल कर लें, किससे कैंसिल कर लें, 2 से पहले कैंसिल कर लें 9 और ये 26, अब तो कैंसिल होगा नहीं, तो 26 π/9, ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर अब ये हो गया, अब सेकेंड वाला मिनट दे दिया है, तो अगर आपको मिनट में दे तो सबसे पहले आप उसको पूरे डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ये मिनट है बच्चों, माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस आप बाहर लगा लीजिए। 47 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्या, कि 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। 47 डिग्री 30 मिनट का मीनिंग क्या, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब बच्चों ये तो 48 डिग्री में है ही, ये मिनट में है, मिनट को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। हम आपको बताए थे कि जब एक डिग्री का कितना पार्ट करते थे तो मिनट आता था, 60 पार्ट करते थे। वन डिग्री में जब हम मतलब वन डिग्री में टोटल 60 मिनट होता था, तो अगर वन मिनट का बात करें, डैश मतलब मिनट, तो 60 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 1 मिनट को 60 से 1/60, 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में 30/60 डिग्री। तो सीधा सीधा आप जानिए कि अगर मिनट को डिग्री में चेंज करना हो, मिनट को डिग्री में चेंज करना हो तो 60 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, -47 डिग्री प्लस ये कैंसिल होगा 2 1/2 डिग्री, 2 LCM ले लेंगे। यहां देखिए हम इसके बाद यहां पे कर रहे हैं, -2 LCM लिए तो 47 × 2 = 94 + 1 कितना आ गया, 95 π/2 डिग्री। ये पूरा डिग्री में आ गया ना। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, अब हमारा 95 π/2 डिग्री आ गया। अब इसका रेडियन मेजर फाइंड करेंगे, यहां मिनट में देगा तो रेडियन मेजर डायरेक्ट फाइंड हम नहीं करेंगे, मिनट में रहेगा तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, होल डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बच्चों इसका रेडियन मेजर फाइंड करना है तो माइनस तो लगा ही रहेंगे, 95 बाई 2 रेडियन मेजर में किससे इंटू कर देंगे, पाई बाई 180 से।
तो 5 से डिवाइड कर देंगे 19, ये हो जाएगा 36, ऊपर बच जाएगा 19 पाई और नीचे 36 और 2 72, ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी है ना, रेडियन मेजर आपको फाइंड करने आया, सीधा सीधा रेडियन मेजर मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर मिनट में है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करके तब करिए। समझ में आ गया, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए रेडियन मेजर तो फाइंड करना हम सीख गए, यहां देखिए क्या फाइंड करना है, डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर फाइंड करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई से। बच्चों डिग्री मेजर फाइंड करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई से। तो देखिए डिग्री मेजर क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई से। डिग्री मेजर के आंसर में पाई नहीं दिखना चाहिए, रेडियन मेजर के आंसर में पाई दिखना चाहिए, क्वेश्चन में भले पाई ना दे। ये देखिए इसको डिग्री में कन्वर्ट करना मतलब ये रेडियन में रहा होगा, इसमें पाई नहीं है, क्वेश्चन वाला पाई लिखे चाहे ना लिखे, बट अगर हम आंसर लिख रहे हैं रेडियन मेजर में तो पाई आंसर में आना चाहिए, और डिग्री मेजर में लिख रहे हैं तो पाई आंसर में नहीं आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये पाई का क्या करें हम, पाई की वैल्यू आप रख देंगे 22/7, 22/7 ऊपर चला जाएंगे, करेक्ट। देखना कितना ईजी है, कॉन्सेप्ट समझिए, ये कैंसिल हो गया 2 times, ये कैंसिल हो गया 90 times में, ये कैंसिल अब किससे कर लें, 2 से ही करें पहले, 2 8 45, और कैंसिल होगा नहीं, चलिए क्या बचा लिख दें, 45 into 7 75 35 28 और 3 315 बाई 8, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए ना, ये डिग्री मेजर है। यहाँ आप आंसर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अपॉन में आंसर नहीं छोड़ेंगे, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताए, जैसे अगर आ जाए 760 मिनट, तो इसमें आप क्या करते हैं, 760 मिनट इसको आवर में चेंज करते हैं, प्लस जितना मिनट बच जाता है वो लिखते हैं। तो अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो पहले देखेंगे इसमें होल डिग्री कितना है, मतलब फ्रैक्शन में है तो पूरा का पूरा तो डिग्री होगा नहीं, पॉइंट में भी होगा ना, तो अगर पॉइंट में होगा तो उसको हम डिग्री से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर भी फ्रैक्शन में आएगा तो उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अगर हम कहें कि हम यहाँ से कुछ दूर गए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, हो सक तो हम बताएंगे हम 5 किलोमीटर 10 मीटर और 2 सेंटीमीटर ट्रेवल किए, एग्जैक्ट बताने के लिए ये बताएंगे ना। तो इसी तरह अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो इसमें हम बताएंगे डिग्री कितना है, इसमें हम बताएंगे मिनट कितना है, इसमें हम बताएंगे सेकंड कितना है ना। तो देखिए इसका इलाज क्या है, कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में जैसे ही आएगा आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 315 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, 8 3 = 24, 8 है ना अपॉन में, तो कितना आ जाएगा, 24/7 आ जाएगा ना, 75, फिर 8 9 = 72, 3 आ गया, अब तो जाएगा नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 39 whole 3/8, ये आ गया। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, ये हो गया 39 degree हो गया, और ये प्लस ये जो आया डिग्री से छोटा यूनिट हो गया, डिग्री से छोटा यूनिट मतलब क्या हो गया, मिनट हो गया। देखना कितना इजी प्रोसेस है, होल नंबर जैसे ही अपॉन में आए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, जो होल पार्ट है वो डिग्री हो जाएगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो डिग्री से छोटा यूनिट मिनट हो जाएगा, कंफर्म। अब आगे चलते हैं, 39 degree ये भी डिग्री ही है, डिग्री से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे,
ये तो डिग्री में ही आया ना, हम ये मिनट लिख दिए, ये गलत लिख दिए थे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/8 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अभी हम लोग देखे कि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किए थे, अब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू करेंगे। ये सब अब ये अब जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये अब मिनट हो जाएगा। ये सब चीजें देखिए, आप कंफ्यूज मत रहिए, सुनिए। एक डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट ना। तो एक डिग्री में अगर 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मिनट को डिग्री में चेंज करना रहेगा तब ना डिवाइड करेंगे, यहाँ डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीजें आप इसको रखे रहे माइंड में तो याद रहेगा। चलिए हम यहाँ पहुंच गए, अब इसके बाद का स्टेप देखते हैं। आराम से एक क्वेश्चन समझ लीजिए तो आप कई क्वेश्चन कर ले जाएंगे। 39 डिग्री तो हो गया, ये इनका काम हो चुका है। प्लस अब इसको फिर आप डिवाइड करेंगे, 4 × 2 = 8 15, तो 15 × 2 = 45/2 45/2। फिर ये आ गया फ्रैक्शन में, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 39 डिग्री प्लस इसको फिर करेंगे तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 45 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 22 होल नंबर आ गया और 1/2 बच गया। अब ये मिनट में आया है, मतलब 39 डिग्री अब होल वाले को अलग कर ले, मिनट इस पे लगा के 22 मिनट को अलग कर ले, और ये 1/2 मिनट को अलग कर ले, ये मिनट दोनों पे चला गया। जैसे यहाँ देखिए, ये डिग्री जो आया था, ये डिग्री इस पे भी गया था, ये डिग्री इस पे भी गया था। अब देखिए 39 डिग्री 22 मिनट, अब मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री को मिनट में करने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट को डिग्री में भी करने मिनट को सेकंड में करने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड। तो 39 डिग्री 22 मिनट, अब 2 से डिवाइड कर लेंगे, 30 सेकंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। एग्जाम में आना ही आना है एक क्वेश्चन ना। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रह गया है तो आपके सामने हम एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, उसको कर लिया जाए। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए हम और लेके आ रहे हैं समझाने के लिए आपको। -4, माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस को आप नजरअंदाज किए रहेंगे या हर स्टेप में माइनस लगाते रहेंगे। -4 और 4 के आंसर में केवल एक अंतर रहेगा कि आंसर में माइनस लगा रहेगा ना। चलिए अगर हम माइनस हटा के बात करेंगे, माइनस हम हटा के बात करते हैं, चलिए। तो इसको डिग्री मेजर में निकालना है, तो डिग्री मेजर में निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 180/π से, ध्यान से देखिएगा, 180/π से। तो 4 × 180π की वैल्यू कितना? 22/7, 7 ऊपर गया, 2 से डिवाइड किए 11, अब तो कैंसिल होगा नहीं, मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 × 2 = 14 और ये 180 में मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा? 8 × 4 = 32, 4 × 1 = 4 = 7, 8 × 1 = 8, 1 = 2 ये आ जाएगा 25, और एक 180 वाला 0, 2520, तो 2520/11 डिग्री आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक बहुत ईजी गया है ना। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, ये आ गया, प्रोसेस समझिए, मल्टीप्लाई वगैरह तो आप सब कर ही लेंगे। अब अगर फ्रैक्शन में आ गया तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए डिवाइड करते हैं, 2520 को 11 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम जाएगा 32 आ गया, फिर 2 टाइम जाएगा 22, 10, फिर 9 टाइम जाएगा 99, 1 बच गया। तो बच्चों क्या आ गया? 229 होल 1/11, ये पूरा डिग्री आ गया। एक एक स्टेप समझिए, आराम से समझिए, ये डिग्री दोनों पे आएगा, 229 पे भी आएगा प्लस 1/11 पे भी आएगा, करेक्ट। आगे का स्टेप देखिए,
229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 229 डिग्री प्लस ये तो कैंसिल होगा ही नहीं, फिर आइए डिवाइड किया जाए। अब 60 को 11 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 60/11 5 टाइम जाएगा, 5 आएगा, अब तो जाएगा नहीं, तो यहां लिखेंगे 5 whole 5/11 मिनट। अब ये मिनट दोनों पे जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा और 5/11 मिनट हो जाएगा, कोई डाउट? तो अब ये तो प्योर हो गया होल नंबर में, तो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट अलग कर लिए, अब ये तो अपॉन में है, तो अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड हो जाएगा, तो अब तो ये कैंसिल हो नहीं रहा है, तो फिर 60 × 5 = 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 22 टाइम जाएगा 8 आएगा, 7 टाइम जाएगा 77 आएगा, 3 पॉइंट लगाएंगे, 3 × 11 = 22। आप कहेंगे सर आप पॉइंट क्यों लगा दिए, अभी तक तो पॉइंट लगा नहीं रहे थे, तो सेकंड के बाद अब कहाँ जाएंगे हम लोग, तो लास्ट वाले स्टेप में आप पॉइंट लगाएंगे, लास्ट अब सेकंड के बाद कहाँ जाएंगे, मिनट में पॉइंट नहीं लगाना था हमें, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पॉइंट नहीं लगाना था तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, बट लास्ट वाले स्टेप में आप पॉइंट में लेते जाएंगे, तो 27.2 मतलब अप्रॉक्स में अगर लिखेंगे तो 229 डिग्री 5 मिनट, 0.2 छोड़ देंगे, 0.6 रहता तो 28 लिख देते ना, तो 27 सेकेंड ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अप्रॉक्स। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगर यहाँ माइनस लगेगा तो हर स्टेप में बस क्या लगाते जाएंगे बच्चों, माइनस, हर स्टेप में क्या लगाते जाएंगे, माइनस, बस सिंपल सा बात है, हर स्टेप में माइनस लग जाएगा, देख रहे हैं बात समझ में आ गया आपको, ये माइनस लग जाएगा हर स्टेप में, हर स्टेप में माइनस, और लास्ट फाइनल आंसर आपका माइनस में आ जाएगा, और प्लस रहता तो वैसे ही करते ना, तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। चलते हैं एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका भी डिग्री मेजर फाइंड करना है, बट यहाँ पे पाई लिख दिया है, तो पाई लिख दिया है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि पाई लिखने पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखते हैं सॉल्यूशन, डिग्री मेजर ये पाई बाई थ्री को कन्वर्ट किससे इंटू करते हैं, 180/पाई से, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से इंटू डिवाइड कर देंगे 60, और 65 = 300 डिग्री आ जाएगा, इसमें अपॉन में आपको बचा ही नहीं। यहाँ भी देख लीजिए, इसका सोल्यूशन देख लीजिए फोर्थ वाले का, तो डिग्री मेजर अगर फाइंड करना है तो 7π/6 में 180π से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 210 डिग्री, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। बट अगर पाई नहीं रहेगा तो पाई कटेगा भी नहीं, और पाई जब कटेगा नहीं तो 22/7 पुट करना होगा ना। आई होप आप समझ रहे होंगे, तो ये दो टाइप का आप क्वेश्चन कर लेंगे। आते हैं जल्दी से वर्ड प्रॉब्लम पे। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक पहिया है जो 360 टाइम्स घूम जा रहा है 1 मिनट में, तो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन मूव करेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि इन वन मिनट व्हील मेक्स इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन, सही बात है। सो इन 1 सेकेंड व्हील मेक्स हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, बताइए, ध्यान दीजिए। अगर 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 60 से अगर डिवाइड कर दे तो 1 सेकेंड का आ जाएगा, तो 360/60 रिवॉल्यूशन मतलब 6 रिवॉल्यूशन। भाई 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 360 बार, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, मतलब 60 सेकेंड में 360 बार घूम रहा है, तो 1 सेकेंड का पता लगाना हो तो 60 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, तो यह आ गया 6 रिवॉल्यूशन ना।
अब कह रहा है कि कितना रेडियन घूमेगा, अगर पूछता कितना डिग्री घूमेगा एक सेकेंड में, तो इसमें 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूछा कितना रेडियन घूमेगा, तो एक बार घूमने में कितना रेडियन लेता है, 2π। अच्छा आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम बोलें कि नंबर ऑफ डिग्री डज ए टर्न इन 1 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, तो 6 बार घूम रहा है तो कितना डिग्री बनाएगा, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बोलिए। 1 सेकेंड में 6 बार घूम रहा है तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री बनाएगा 360 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक बार घूमने में तो 360 बन रहा है, 6 बार घूमने में 6 से मल्टीप्लाई हो गया ना। आपको आराम से पढ़ा रहे क्योंकि स्टार्टिंग है, नया है। देखिए, अब नंबर ऑफ रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, अब रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप बताइए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/180 से, ये कैंसिल हो जाएगा 2 × 6 = 12π आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था ना, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे, अभी कॉन्सेप्ट अगर छोड़े तो पूरे चैप्टर भर आप परेशान रहेंगे। सोचिए एक मिनट में 360 बार घूम रहा है, तो एक मिनट में तो 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड का निकालें तो 60 से डिवाइड कर दिए। अब 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 1 रिवॉल्व करता है तो 360 डिग्री बनता है, तो 6 बार में कितना बनेगा, 6 × 360। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 5/180 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। ये सब चीजें माइंड में रखनी होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ना, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है डिग्री मेजर फाइंड करिए और एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। देखिए गिवन है बच्चों, रेडियस 100 सेंटीमीटर और आर्क ऑफ लेंथ 22, मतलब एल इज इक्वल टू 22, तो डिग्री मेजर ऑफ एंगल फाइंड करना है। हम ये फार्मूला जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल की वैल्यू रख दिए 22, रेडियस रख दिए 100, बट ये आएगा रेडियन में। हमने आपको बताया है कि अगर ये फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं तो एंगल का आंसर जो भी आएगा वो रेडियन में आएगा, बट क्वेश्चन बोला डिग्री में बदलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो सीख ही चुके हैं डिग्री में बदलना। तो डिग्री में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे, 180/π से, लो डिग्री में आ गया। अब इसी को और अच्छे से करते हैं, अच्छे से मतलब पूरा मिनट सेकेंड देखते हैं आता है कि नहीं। फिलहाल क्या करेंगे, पाई तो हटाना है हमें, तो 22/100 180π की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये डिग्री, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 118 × 7, 8 × 56, और ये 126/10 डिग्री ना, अभी आपको सिखाए हैं। अब बताइए पाउंड में आ जाएगा तो क्या करेंगे, हाँ मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे 10 × 1 = 10, 26 आएगा, तो 10 × 2 = 20, ये आ जाएगा। तो अब डिग्री दोनों पे जाएगा, 12 पे भी जाएगा प्लस 6/10 पे भी जाएगा। अब बताइए अगला स्टेप, 6/10 डिग्री आ गया, अभी आपको बताए हैं, बताइए हमें 6/10 डिग्री आ गया क्या करेंगे, जरूर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 डिग्री 6/10 है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक गोला हट जाएगा और एक डैश आ जाएगा, मतलब डिग्री हट जाएगा, मिनट आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12 डिग्री 6 × 36, आगे कुछ बचा ही नहीं, तो सेकंड में जाए गए ही नहीं हम लोग, अपॉन में और बचता तो सेकंड भी आता, तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है, तो आप बताइए अगर डायमीटर है 40 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ मतलब 20 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर।
और लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड भी यहीं से बना लीजिए, ये भी 20 सेंटीमीटर, और ये जो होगा ये भी तो रेडियस होगा भाई, ये रेडियस, ये रेडियस, ये तो रेडियस 20 सेंटीमीटर। ए भी एक कॉर्ड हो गया, ओ सेंटर हो गया, ओ ए और ओ बी रेडियस हो गया, तो माइनर आर्क लेंथ पूछ रहा है। माइनर आर्क, माइनर आर्क मतलब ये ना हुआ ए, ये चीज पूछ रहा है। यहाँ अगर हम कुछ सपोज कर लें, पी सपोज कर लें, तो हमसे जानते हैं क्या पूछ रहा है, ए पी बी, ये पूछ रहा है, ये आर्क का सिंबल है ना। अब देखिए, अगर ये 20, ये 20, ये 20, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इक्विलैटरल बन जाएगा, और क्या होता है तीनों एंगल 60 डिग्री होता है। अब बताइए थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर कितना है 20 और थीटा कितना है 60 डिग्री, बट इस फॉर्मूले में थीटा की जगह डिग्री तो लिखते नहीं है, इस फॉर्मूले में थीटा की जगह रेडियन में लिखते हैं, तो अगर थीटा हमारा 60 डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3, मतलब थीटा की जगह पे हम 60 नहीं लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 हम लिख के इसलिए मिटाए क्योंकि आपको याद रहे कि डिग्री लिखना गलत हो जाएगा। अब ये आंसर आ गया 20 पाई बाई 3, लेंथ है तो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है सब ना, एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और उसमें परफेक्ट होइए, फिर एग्जांपल्स वगैरह लगाइए। जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं, ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इफ इन अ टू सर्कल, दो सर्कल है, आर्क ऑफ सेम लेंथ का आर्क है, मतलब ये जो ए बी है अगर इसका लेंथ एल वन माने और यहाँ पे एक सी डी L2 माने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 इज इक्वल टू L2, दोनों लेंथ इक्वल है, ये दोनों कर क्या रहा है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री या 75 डिग्री एट द सेंटर, मतलब यहाँ से ये आर्क 60 डिग्री बना रहा है और ये आर्क 75 डिग्री बना रहा है, तो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इसका रेडियस अगर R1 है, इसका रेडियस अगर R2 है, तो हमसे जानना चाह रहा है कि R1 अपॉन R2 क्या होगा। समझ में आ गया, देखिए दो सर्कल है, आर्क कट करके आर्क, ये आर्क जो है 60 डिग्री बना रहा है, ये आर्क जो है 75 डिग्री बना रहा है, और दोनों आर्क इक्वल है, L1 इज इक्वल टू L2, रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। अच्छा आप बताइए L इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 थीटा 1, एंड L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 थीटा 2, सही है, डिवाइड करिए, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू थीटा 1 अपॉन थीटा 2, सही है, लेकिन इस फॉर्मूले में थीटा डिग्री में रखते हैं या नहीं, डिग्री में नहीं रखते हैं, तो 60 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो पाई बाई 3 रेडियन आ गया, यहाँ 75 को, ये थीटा 1 आ गया, यहाँ 75 को रेडियन में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, किससे कैंसिल होगा 5 से, 15 पाई बाई 36 फिर 3 से कैंसिल हो गया, 5 पाई बाई 12, तो थीटा 2 आ गया 5 पाई बाई 12, करेक्ट। आइए वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे देखिए L1 L2 इक्वल है, तो L1 L2 इक्वल है तो कट जाएगा 1 आ जाएगा, R1 अपॉन R2 रहने दे रहे हैं, और थीटा 1 की वैल्यू पाई बाई 3, थीटा 2 की वैल्यू 5 पाई बाई 12, यहाँ से क्या आएगा 1 इज इक्वल टू R1 बाई R2, पाई से पाई कैंसिल होगा, 12 ऊपर जाएगा तो 12 बाई 3 मतलब 4 बाई 5 आएगा ना, अब उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू आ जाएगा 5/4, ये प्रोसेस है ना। अब बाकी इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो यही रेशियो कर लिया करिए, डिवाइड आंसर आ जाएगा 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 4/5 ये आंसर आ जाएगा, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई पूछा है, R1 अपॉन R2, मतलब किसी को भी R1 माने किसी को भी R2, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5
फाइव बाई फोर या फोर बाई फाइव, कोई कन्फ्यूजन आपको ना? जैसे आपको अगर फाइनल आंसर एकदम एग्जैक्ट मिलाना है तो दूसरे वाले में से पहले वाले में डिवाइड कर लेंगे, मतलब 75 बाई 60 तो 5 बाई 4 आ जाएगा। ये उल्टा इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ देखिए R1 बाई R2 बट ये इस साइड आके ट्रांसफर हो रहा है ना, तो हमेशा ट्रांसफर होगा, तो आप हमेशा बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग। एक पेंडुलम मूव कर रहा है, तो पेंडुलम जब मूव करेगा, जैसे ये पेंडुलम आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो ये मूव करता है तो ऐसे ऐसे करता है ना, बोलिए, मतलब ये वाला जो लेंथ है यहाँ पे आता है एक बार, और ये वाला लेंथ जो है यहाँ पे आता है। अगर आप इसको पूरा घुमा दीजिए तो वो एक सर्कल टाइप बन जाएगा, और ये पेंडुलम का लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस। तो जो भी पेंडुलम स्विंग लेंथ, जो भी पेंडुलम का लेंथ है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा। और टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ डायरेक्ट दिया है एल, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट फिर भी हम बता दिए। थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लग जाएगा एल बाई आर, एल का वैल्यू 10/75, एल की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 5 × 2 = 10, और ये किससे कैंसिल होगा, 5 × 15 = 15। तो आंसर कितना आ गया, 2/5, और इसका आंसर हमेशा किस में आता है, रेडियन में आता है ना। आसान था कि नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग से। चलिए तो ये एक्सरसाइज आज हम आपका ये फिनिश किए, अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज का इंट्रो लेके आते हैं, तब तक ओके बाय, कीप लर्निंग।